अभी हम आपको विपिन भैया से मिलाते हैं जिन्होंने ये डेकोरेशन पूरी संभाली हुई है। आप देख सकते हो स्टे कितनी प्यारी लग रही है, ये सारा डिंपल भैया को श्रेय जाता है। तो भैया आपका आज क्या मैसेज रहेगा, आज लास्ट फाइनल मैच है तो आप क्या हो, दो तीन लाइनें बोल दीजिए कुछ। आज लास्ट फाइनल है तो अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि सभी लोग आए देखें कि यहाँ के जो नौजवानों ने कितनी मेहनत की है इस काम को, बड़ा इस टूर्नामेंट को चलाने के लिए खुद अपने हाथों से काम किया इन लोगों ने, बच्चों ने, इनको देखना चाहिए किस तरह काम करते हैं और भी करें इनको देख कर। सही बात है। तो मैं ये बता दूं ये लाइट जो आप देख रहे हो लाइट, ये लाइट भी डिंपल विपिन भैया ने फिट की हुई है सारी, इनके साथ चेले भाई थे लगे हुए थे और एक साथ में नीतू भैया थे, इन्हें सभी ने ये लाइट का जिम्मेवार पूरा इन्होंने संभाला हुआ था। अभी ये डेकोरेशन कर रहे हैं तो भाई इनको इतनी तारीफ की है इतनी कम है। गाइस अभी मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊंगा गोपाल, तो ये स्पेशल दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पर टूर्नामेंट देखने के लिए और साथ में जो एंकरिंग का यहाँ पर जो प्रोग्राम था सभी गोपाल भाई ने संभाला है। तो गोपाल भाई आज आप क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पे? मैसेज ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सब ने आज तक अच्छा यहाँ पे मैच देखा और अच्छा इंजॉय करो, यही मैसेज कुछ खास नहीं है। और भैया फिर कल से ऐसा कि अभी खत्म हो जाएगा ये, रात को हम घर से निकलते थे कितना मजा आता था, तो कल से हम बोर हो जाएंगे घर पे। कोई बात नहीं राहुल, कोई और नया स्टार्ट हो जाएगा, कुछ और स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, कुछ और नया इवेंट। भाई ऐसा करना चाहिए हमें एक साल में दो बार टूर्नामेंट करवानी चाहिए। ये भी हो, और मैं बता दूं लेडीज का हो सकता है, मेन का हो सकता है। सही बात है। और मैं एक चीज और बता दूं, ये नए टूर्नामेंट का जो आइडिया था हमारे गंगेश्वर भैया थे उन्होंने दिया था, जो उनके भाई हैं जी, तो उनकी भी काफी ज्यादा आ रही है क्योंकि अभी वो आउट ऑफ कंट्री हैं, जॉब के रिलेटेड गए हुए हैं, तो उनकी काफी ज्यादा आई है, उनकी सपोर्ट की वजह से हम ये टूर्नामेंट करवा पाए हैं। अंकित भाई से मिलाएंगे जिन्होंने चीफ गेस्ट का, जो भी हमारे चीफ गेस्ट आते थे तो उनको पूरा जो हैंडल किया है हमारे अंकित भाई ने किया। तो अंकित भाई आपको कैसी फीलिंग आई इस टूर्नामेंट में और आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हमको काफ़ी अच्छी फीलिंग आई, हम अपने जो जूथ है हम उनको सपोर्ट करते रहे, काफ़ी सारे जूथ था जो सपोर्ट किया जिन्होंने आज टूर्नामेंट का, अभी तक कितने 15 के राउंड मैच हुए हैं 15 डेज में, तो आज उन्हें फाइनल मैच होगा, काफ़ी बड़ा मैच होने वाला आज। भाई इसकी ड्यूटी भी काफ़ी मुश्किल ड्यूटी थी क्योंकि जब भी चीफ गेस्ट आते थे उनको हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्टी होता था, बट इस भाई ने अपनी जिम्मेवारी पूरी अपने कंधों पर रखी और सभी चीफ गेस्ट खुश होके गए जहाँ से। तो अंकित भाई शुक्रिया भाई, ऐसे ही काम करो करते रहो और अपने गांव का नाम रोशन करते रहो भाई। अभी हम आपको प्रवीण भाई से मिलाएंगे जिन्होंने यहां पर इस टूर्नामेंट इंपायरी का काफ़ी जो भी इंपायरी हुई है यहां पर प्रवीण भाई की तरफ से हुई है। प्रवीण भाई आज लास्ट डेट है, लास्ट मैच है और लास्ट टूर्नामेंट का ये फाइनल भी है आज, तो आपका क्या मैसेज रहेगा आज टूर्नामेंट के लिए? हमारा यही मैसेज है कि इस बार जो हो गया सो हो गया, तो अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा टीमें आएँ और हमारी भाई ऐसी जो है पूरे जम्मू में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में इसका नाम चलना चाहिए। सही बात है। अभी तो जम्मू कश्मीर में मैंने सुना कि ये नंबर वन हो गई है नाइट टूर्नामेंट में। धीरे धीरे भाई जी, धीरे धीरे जो है ना दो तीन साल के बाद पूरे इंडिया में नंबर वन हो जाएगी। सही बात है। तो प्रवीण भाई का भी जितना शुक्रिया किया है इतना कम है क्योंकि पूरी इंपायरी इन्होंने अपने कंधों पर रखी हुई थी। हम JKP का जितना शुक्रिया होगा तो उतना कम है क्योंकि हर मैच में उन्होंने अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर भेजी हुई है, तो कोई भी मैच में अगर कोई भी ऐसे हाथोफाई हो या तेजी वगैरह, वैसे नौबत तो नहीं पहुँची पड़ी हमें, बट उनकी सपोर्ट हमें काफ़ी रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी भी आ चुके हैं, हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको किसी और से मिलाते हैं, अभी हम आपको पिन्नू भाई से मिलाएंगे जो कि जिनका डिपार्टमेंट था ग्राउंड मेंटेनेंस का। आप देख सकते हो जहाँ पर जितना भी चुना चुना डालना सारा पिन्नू भाई संभालते हैं। आप जब भी कोई बॉल ग्राउंड से पार जाती है तो फिर भी पिन्नू भाई लेके जाते हैं, बॉल कमेटी वाला काम भी इन्हीं का है। इनके साथ दो तीन लड़के और भी हैं, वो अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं है, अभी उनसे भी मिलेंगे। पिन्नू भाई आप कोई मैसेज देना चाहोगे आज, जैसे कि आपको पता है फाइनल मैच है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इधर भाई ऐसी की टूर्नामेंट सबसे अच्छी टूर्नामेंट है। और कोई मैसेज देना चाहोगे? मैंने भी अपनी टीम उतारी थी ग्लूनी किंग्स से, बहुत सारी फाइनल रखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कोई नहीं पिन्नू भाई, हार जीत बनी हुई है लेकिन आपने काफी अच्छा खेला। फाइनल पक्का अवश्य खेलूंगा। कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम पक्का खेलोगे। आपको अपने भाई ऐसी के जो पंडित जी हैं जिन्होंने जहाँ पर ओपनिंग करवाई थी उनसे मिलाते हैं। अम्मू भाई जी आए फाइनल डे है, आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पहले तरफ मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। जी भाई ऐसी टूर्नामेंट का जितवाल का तीसरा सेशन था तो आज परिपूर्णता पूर्ण की तरफ जा रहा है, तो मैं सबको जय श्री राम कहते हुए तो आओ अभी टूर्नामेंट का इंजॉय करो, जय श्री राम। आपको पता है फाइनल है, तो फाइनल में आज हमारे जो चीफ गेस्ट है स्टेज को दिखाइए, मैं गोपाल भाई से बोलूंगा आप स्टेज दिखाइए, स्टेज का कितना हमने अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पे, काफी बड़ी स्टेज बनाई हुई है हमने, कम से कम
20-25 चीफ गेस्ट हमारे बैठ सकते हैं आज के लिए। तो मैं बता दूँ आपको जो हमारे मेन चीफ गेस्ट आज के, जो कि ड्यूटी प्रेसिडेंट भाजपा के रविंद्र रैना जी आ रहे हैं, और साथ में हमारे DIG या पुलिस शक्ति पाठक जी आ रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे आ रहे हैं श्री जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि जूथ स्पोर्ट एंड सर्विस के डायरेक्टर हैं, तो हम उनका भी काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उनको कहते हैं कि आप हमेशा हमारी सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए जब अब वो आएंगे तो हम उनसे आपको मिलाएंगे। तो चलिए अभी हम अभी हम आपको मिलाएंगे शुभम भाई से, जिन्होंने इस पूरी टूर्नामेंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कोरिंग की है। वो जैसा कि पता है कि आज फाइनल मैच है, तो आपका कोई मैसेज रहेगा हमारे टूर्नामेंट का और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं? मेरा मैसेज यही है कि हमारी इस टूर्नामेंट, हमारी ये जो टूर्नामेंट है, ये हमारा पूरा जितवाल का नाम रोशन किया है इसने, और पूरे JNK में अभी टूर्नामेंट बढ़ चढ़ कर बोल रही है। तो मेरा यही मैसेज है कि जिस तरह की हमने प्लानिंग की है, उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन, और हमारा फाइनल एक धूमधाम फाइनल हो, जो पूरा अगले साल के लिए हमारी टूर्नामेंट का स्तर भी ऊँचा हो जाए, और अगले साल के लिए बाहर से क्या दिल्ली से पंजाब से भी हमारी टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में सही बात है भाई, बिल्कुल बहुत सही आपने व्यू दी अपने। जैसा कि आप सभी को पता ही है, फाइनल है, तो आज फाइनल में जो हमारा ये खाने पीने का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये स्पॉन्सर किया हुआ है मिठू भैया ने, हम आपको उनसे भी मिलाएंगे। बट हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की हमें, पहले टूर्नामेंट में भी, सेकंड में भी, और थर्ड में भी अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये देखिए आप खाना, कम से कम 500-600 बंदों का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो हम उनका भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की। कोई भी इवेंट होता है हमारे गांव में, तो वो सबसे पहले अपनी सपोर्ट देने के लिए हमारे सामने आ जाते हैं, फाइनेंशियली भी आ जाते हैं और नॉन फाइनेंशियली भी आ जाते हैं। तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपनी BIC कमेटी की तरफ से। अब अभी हम आपको एक और अपने भाई से मिलाएंगे, जो आप ये सामने पीछे देख रहे हो, ये सारी सचिन ने तैयार की है, और इनके साथ इनके दो तीन भाई और भी थे। तो सचिन भाई, आज जैसे कि आपको पता है फाइनल है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा ये टूर्नामेंट देखने का और जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं? यही रहेगा कि नेक्स्ट ईयर भी इस टूर्नामेंट की तैयारी होनी है, तो पिछली बार तो हम हार गए, तो हमारी थोड़ी कमियां थी इस कारण हम हार गए। तो अगली बार देखते हैं, तैयारी करते हैं अच्छे से, और लोगों को बोलता हूँ, और लोग भी आइए, काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट होती है, तो और भी इंजॉय करिए यहाँ पे। तो ठीक है भाई, ये आप सामने पीछे देख रहे हो, ये सचिन भाई की ओर से तैयार की हुई है, तो हम इनका काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो ठीक है भाई, अभी मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट का प्रोग्राम किया हुआ है। तो ये स्टेज बनाई हुई है हमारे राजू अंकल जी ने, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, जो कि हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी हम आपको मिलाएंगे हमारे ऋषु भाई से, जो स्पेशल चेन्नई से आए हुए हैं जहाँ पर BIC की टूर्नामेंट देखने के लिए। तो ऋषु भाई, आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज की टूर्नामेंट के लिए? ये काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट है, पिछले 3 सालों से चले आ रही है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जैसे ईयर निकल रहे हैं, मतलब एक साल में थोड़ा कम हुआ, उस साल में दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा, अभी तीसरा साल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही ये हमारे भाई जो जितने भी है जूथ, वो अगर ऐसे ही बढ़ते चले, तो ऐसा कोई दिन ना होगा जब जितवाल का पूरे JNK में, छोड़ो पूरे इंडिया में, नाम ना चलेगा कि हाँ भाई वहाँ पे टूर्नामेंट होती है, वाकई होती है। सही बात है, ऋषु भाई ने काफ़ी अच्छे विचार दिए अपने। तो अभी हम विवेक भाई से मिलेंगे। विवेक भाई, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ BIC, क्योंकि पहले हमारे जो फर्स्ट ईयर थी जो BIC की पहली टूर्नामेंट थी, उसमें थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद जो दूसरी है उसमें थोड़ा और प्रोग्रेस हुआ, अभी जो हमारी तीसरी टूर्नामेंट आई, इसका फाइनल चल रहा है, तो इसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेस मैं देख रहा हूँ कि इससे अच्छी टूर्नामेंट मैंने आज तक कभी कहीं भी नहीं देखी। आप स्टेज को भी जज कर सकते हैं, अगर स्टेज ऐसी बनी। मैंने बहुत फाइनल्स खेले हैं, आज इस बार हमारी टीम नहीं पहुंची, लेकिन मैं ये देखकर इतना कह सकता हूँ कि BIC जैसी टूर्नामेंट कोई नहीं करवा सकता। तो भाई, आप स्टेज देख सकते हो, कितनी हाई लेवल की स्टेज बनाई हुई है। तो ये सभी श्रेय जाते हैं हमारे राजू अंकल जी को, जिन्होंने हमेशा हमारी सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो स्टेज कितनी प्यारी स्टेज लग रही है। तो हैंड्स ऑफ।
कि हम आपको राजू अंकल से भी मिलाएंगे, अभी वो जहाँ पर नहीं है, जब भी वो आएंगे तो उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आपको। हमारे अजय भाई से मिलाएंगे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट में, जो कमेंट्री का जो कार्यक्रम था वो अजय भाई ने काफ़ी संभाला यहाँ पे। तो अजय भाई आपका क्या मैसेज रहेगा यहाँ पर भाई इसके टूर्नामेंट को? मैसेज ये रहेगा कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बढ़ चढ़ के इसमें आए टूर्नामेंट के फाइनल में, और हम चाहते हैं कि ये इवेंट और आगे चले, सालों सालों तक चले। जो कि इस टूर्नामेंट में जितनी भी इंपायरी की हुई है ये हमारी सुनील भाई और प्रवीण भाई की तरफ से की गई है। प्रवीण भाई से मैंने आपको पहले ही मिलाया था, तो ये देख सकते हो आप हमारे सुनील भाई, ये भी हमेशा सपोर्ट करने के लिए आए थे हमारे यूथ की। तो सुनील भाई कोई मैसेज देना चाहोगे आप? काफ़ी बढ़िया मैच होगा आज, तो हमारी कोशिश यही रहेगी तो कोई फेरी डिसीजन दें, कोई हमारे से गलती नहीं हो। सही बात है। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, ये आप लाइटिंग देख रहे हो, ये सारे विपिन भैया और सुनील भाई और उनके साथ आपके साथ सुनील कौन थे? हमारे जो लड़के नीतू भाई। हाँ नीतू भाई, ये सभी इन्होंने लाइटों का पूरा अरेंजमेंट सभी इन्होंने किया हुआ है, ये पूरे कनेक्शन इन्होंने दिए हुए, तो इनकी हम तारीफ जितनी तारीफ की जितनी कम है। थैंक यू सुनील भाई। थैंक यू। मिलाऊंगा जो अभी अभी वृंदावन से होके आया है। तो अर्जुन भाई वृंदावन में आपको कैसा फीलिंग आया वहाँ पर, कैसा नेचर था वहाँ? वृंदावन को बोलते हैं कर्म भूमि। अच्छा, कर्म भूमि मान लो कि वो ब्रज की भूमि है। सही बात है। ऐसी भूमि है कि उस भूमि को किसी भी इंसान के चरण पड़ जाए ना, अच्छा, वो मोह माया भूल जाता है। सही बात है भाई, वो मोह माया भूल के सनातन में पड़ जाता है कि जो है भगवान है, भगवान का नाम है। हम आपको क्रॉस कैफे के कप्तान से मिलाएंगे, तो भाई क्या हालचाल है? बस ठीक है भैया, आप बताओ। और आपकी आज की क्या स्ट्रेटजी है, फिर प्लेयर चेक किए हुए यहाँ पे? नहीं भैया, हमारी सेम टीम है जो पिछले मैच में। कोई मैसेज देना चाहोगे भाई इसी की तरफ से? भाई इसी की तरफ से हमारा यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और अपना सहयोग करें। थैंक यू। ओके भाई, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे मैच। स्वागत करते हैं
शानदार जबरदस्त बहुत अच्छा मिलके रहो इकट्ठे रहो यूनिटी बनाइए रखो अपनी थैंक यू भी मैं आपको मिलाऊंगा शहीद वरुण काटल की और टीम के कैप्टन है तो भैया आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे टूर्नामेंट के रिलेटेड और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आपको उनको क्या मैसेज देना चाहोगे मैं यही मैसेज दूंगा कि ये टूर्नामेंट जो है ये वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है जेएनके की 2-3 साल में इस टूर्नामेंट का स्तर जो है वो अप ही हुआ है बड़ा ही है तो इस टूर्नामेंट को मैं अगले 2-3 साल अगर ये चलती है और होपफुली चलेगी भी जो इस टीम की जो इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट है गंगेश्वर भैया एंड टीम उन्होंने इस टूर्नामेंट को अगर आगे चलाने का जो इनिशिएटिव लिया है अगर ये चलती है तो इस टूर्नामेंट का अभी भी कोई लेवल नहीं है मुकाबला नहीं है सॉरी और आगे भी कोई मुकाबला नहीं होगा इस टूर्नामेंट का और मैं व्यूअर्स से ये कहूँगा कि यहाँ पे आएँ यहाँ का एटमॉस्फेयर आप देखें आप थ्रू लाइव भी देख सकते हैं लेकिन अगर आप इसको इस एटमॉस्फेयर को अगर लाइव मतलब अपनी आंखों के जरिए यहाँ पे देखते तो वो कुछ अलग ही होता तो थैंक यू यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कमेटी जतवाल इस तरह की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हम जैसे प्लेयरों को यहाँ पे खेलने का मौका मिलता है वी आर रियली थैंकफुल एंड बेस्ट विशेज फॉर द फ्यूचर ये नहीं है कि ये इतने खेल कूद पहले नहीं होंगे रहा जो YSC ने इवेंट जोड़ा है अच्छा ये साढ़े 3 इवेंट है पहले भी होंगे रहा खेल कूद लेकिन सिर्फ फर्क इन्ना रहा है कि YSC ने एक दिशा एक ऑर्गेनाइज मैथड में जोड़ा है पूरा कंडक्ट करा ली है और मैं ये मैसेज जोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी देना चाहना कि थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा तुसा इतने वॉलीबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट जोड़ा बनाया है एक्सट्रीम नैक्सट लैवल क्वालिटी का जोड़ा है वो कोर्ट्स बने ने मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना लेकिन एक चीज़ उपर मैं थोड़ा और इंट्रस्ट लैना चाहना थोड़ी अटेंशन लैना चाहना जो डिमांड अज दी है शायद अच्छा 30-40 साल पुरानी डिमांड है जिस ग्राउंड तुम दिखा दौ एक ग्राउंड मुड़े अपने जेबा पैसे किट्ठे करिए बनाए दा एक तरह की खड्ड है अले भी तुम उतर गए इट्स नॉट रियली स्टेबल इट्स नॉट यूनिफॉर्म वी जस्ट वॉन्ट टू प्लेस दिस सिंपल वेरी सिंपल रिक्वेस्ट अपने एडमिनिस्ट्रेशन अगर कि तुम एक ग्राउंड अगर तुम चाहो तो एक बड़ा अच्छा ग्राउंड बनाई सकते हो इन्नी जगह तो हम शायद किट्ठे थोड़ी एरिए नहीं लगभग तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट पर थोड़ा काम देखो लेकिन मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं इस मैसेज का उपर नहीं लेना चाहता इस पार्ट का उपर इस रिक्वेस्ट का उपर नहीं लेना चाहता मैं बड़ा खुश है इतने दूर बैठी है बड़ी खुशी है मी कि साढ़े मुड़े जरा जिम्मेवारी चुकी है इस बार दोबारा कंडक्ट करने की और बड़ी बड़ी खुशी होती जल्द मैं देख लोना अपने ग्राउंड कितना कचकच भरा हुआ है पीछे ऑडियो ला लाया भाई जी हमारे भाई आए हुए हैं रडियाल से भाई कैसी टूर्नामेंट लग रही है आपको बहुत बढ़िया हो रही है कोई मैसेज देना चाहोगे जूथ को
यूथ को ही मैसेज है कि खेलो अच्छे से और खेलने का मन चाहिए, खेलना चाहिए अच्छे से। और जिनको नशे की लत लग चुकी है उनको क्या बोला जाओगे आप? इसी जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो नशे से ऑटोमेटिकली आप दूर ही हो जाओगे। तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा मीडियम है जिससे आप नशों से ऐसे दूर रह सकते हो। थैंक यू भाई। ठीक है भाई, बड़को मारो। हाँ बड़को मारो। अपने हो जाए चलो ठीक हो। ठीक बहुत ठीक ठाक। भाई मारो मारो भाई, बड़क बुड़क मारो। सुखी गया। चल सही चल। हाँ इनाम है अगर कोई भी शहीद वरुण की क्लब के टीम का अच्छा तक लगाएगा तो बंटी द्वारा, बंटी का दल के द्वारा। ठीक है, खुश हो ना? शाबाश, खुश आओ। महाराष्ट्र बढ़ के सुखिया निकली उस सर। कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज देना चाहते हैं, हम मोस्ट वेलकम करते हैं जो जहांगीर कमेटी मेंबर है जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। हम कहते हैं अगले साल भी ये टूर्नामेंट हो। थैंक यू सर। तुसे देना चाहते हो कुछ? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज के जूथ के लिए? लाइफ मैंने सबसे बढ़िया डाइट टूर्नामेंट जो देखी है वो जदवाल में देखी है और सबको थैंक्स जो आपकी। इस बार आपने अपनी टीम को क्यों नहीं उतारा यहाँ पे? इस बार मेरी टीम खजल कर गई, मुझे खजल कर गई, चले गए थे बंदे आगे पीछे। ठीक है भाई, थैंक यू भैया। अगली के मैच का बहुत अच्छा मजा ले रहे हैं हम, बहुत अच्छा मैच है। हम चार ओवर के बाद बताएंगे तो आपके पास फिर से आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर आ जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहते हो जूथ ही? जूथ की मैसेज ये महाराज की खेलो कूदो और बॉडी की फिट रखो, ये सारा मैसेज है। और नशे वगैरह को दूर रहो और अच्छा काम करो। जय श्री राम। तुसे क्या कहने दो? यही बोलना चाहते हैं कि नशे से दूर रहो और बढ़िया खेलो। टूर्नामेंट चाहिए थोड़ा कदया लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कोई मैसेज देना चाहते हो जूथ ही? अस ते आने अगे वास्ते भी टीम चलते रहो, जो मैच होंगे रहो हर साल हो, बड़े खुश है। ठीक है, शुक्रिया। भैया मैं तो ब्रोस कैफे को सपोर्ट करना चाहता हूँ। आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे जूथ को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं? जी जी, कि क्रिकेट की तरफ ध्यान दें और नशा की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें, जहाँ पे फोकस करें, थोड़ा अपना फ्यूचर बनाएं। और बाकी हमें तो पूरा मतलब हम तो सपोर्ट करेंगे ब्रोस कैफे को पूरे। ठीक है भाई, शुक्रिया। काफी बेहतरीन मुकाबला, एक झटका लगता हुआ। अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद और उतने ही अच्छे तरीके से खेला बल्लेबाज जो कप्तान है शहीद वरुण काटल क्रिकेट। देखिए भाई, आज आप इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हो, कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को? मैसेज यही है कि अच्छे से रहो, भाईचारे के साथ रहो, मिलजुल के रहो और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए, नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स से अटैच रहें। थैंक यू। थैंक यू भाई। अम्मू भाई, आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज देना चाहोगे कोई यूथ को? कुछ नहीं, बस सभी का शुक्रिया। जैसे इस बार सभी का साथ था ऐसे ही हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी ऐसा साथ बना रहेगा। ये बंदा जो आप सामने देख रहे हो ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर है भाई, कोई मैसेज देना चाहोगे?
भाई अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है, बाकी हम लोग ऑर्गेनाइजर हैं, हम मेहनत करते हैं, आपकी तरह सिर्फ वीडियो नहीं बनाते। बिहाइंड द सीन दिखाएंगे। आप सोच रहे हो कि टूर्नामेंट ऐसे कोई कराना कोई बहुत आसान काम है, आप देख सकते हो पीछे जो मेहनत लगती है वो हम दिखाते नहीं है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे हमारे भाई लोग, आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सभी बाहर मैच को एंजॉय कर रहे हैं, बट ये काम कर रहे हैं, आप देखिए मारना पड़ेगा इनको भाई, सलूट इनको भाई। हम बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि उनके नाम की टीम भी फाइनल में पहुंची है। भाई डिस्पोजल सारा उदय पाए, ऑटो पाए डिस्पोजल सारा। आए हुए मेहमानों को हम अवगत कराना चाहते हैं। ये YSC थर्ड टूर्नामेंट है क्रिकेट की, ये तमाम स्टेडियम जहां जो गवर्नमेंट हाई स्कूल चतवाल का देख रहे हैं, तो ये जो टूर्नामेंट होती है आप देख सकते हो रिफ्रेशमेंट हमने ऑटो किया हुआ, इलेक्ट्रिक ऑटो, उसके ऊपर आ रही है रिफ्रेशमेंट सभी हमारे प्लेयरों के लिए। तो अजू भाई आपका क्या कहना है, भाई हम अलग अलग टेक्निक अपनाते रहते हैं दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए, इस बार पहले हमने रेडी लाई थी, इस बार ऑटो डाल दिया, दर्शकों को मतलब एक इंटरटेनमेंट का सोर्स हो जाता है और प्लेयरों को एक अच्छी रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। भाई मैच का नज़ारे आ गए हैं, बहुत ही क्राउड आया है इस मैच में, काफ़ी मज़ा आ रहा है मैच देखने को। हमारे चीफ गेस्ट आए हैं शक्ति पाठक जी, जो DIG है साबर रिवर रेंज के, यूथ एंड अफेयर के डिप्टी डायरेक्टर आए हैं, और रविंद्र राणा जी पॉलिटिकल बीजेपी के प्रेसिडेंट आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि जो युवा है वो नशे से दूर रहे और ऐसे ही हमारे साथ देते रहे, क्योंकि YSC अभी 2024 में इससे भी बड़ा धमाल होने वाला है। थैंक यू भाई। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो फाइनल आज का फाइनल हो रहा है, क्योंकि जो भी खाने पीने का प्रोग्राम है ये सारा मिठू भैया ने करवाया हुआ है। मिठू भैया आप मेरे को बताइए आपके साथ किन किनों ने यहाँ पर स्पॉन्सर की हुई है। और सर पहले तो मैं जय श्री राम जय परशुराम, और पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे यूथ को जिन्होंने आज जो फाइनल मैच जो इस मुकाम के ऊपर पहुँचाया है, बहुत ही बढ़िया जहाँ पर फाइनल मैच हो रहा है, जहाँ हमारे श्री रविंद्र राणा जी आए हुए हैं और DIG आए हुए हैं, SSB आए हुए हैं, और बाकी जो हमारे जो खाने का प्रबंध था ये हमारे बम्मू आशर जी और जीतू फौजी जी और मैंने ये प्रबंध किया है की तरफ से। क्या क्या बनवा रहे हो? बाकी हम आज राजमा चावल और अम्बल का जो बंदोबस्त किया हुआ है, जो हमने तो पिछले साल भी ये बनाया था और इस साल भी हम बड़ी पक्का ही ठेका हमारा, ये फाइनल होगा तो हमारी रोटी है हमारी होगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई क्या मैसेज देना चाहोगे, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे ये प्रेमी जो वीडियो देख रहे हैं सभी जतवाल को ये युद्ध को सपोर्ट करें, जो इतना बड़ा कदम उठाया कि इस युद्ध को इस नशा मुक्त को केंद्र को जो इन्होंने अपना जो एक मनोहल बनाया अपना इस माहौल बनाया है यहाँ पर, कि ऐसा कोई लड़का जहाँ से कोई भी कोई नशे की तरफ मत जाए और हमारा जो सपोर्ट करे यहाँ पर, इसमें कोई भी गेम हो सकती है, कोई भी अपना सपोर्ट कर सकता है, हमने वॉलीबॉल करवाना है,
या खो खो करवानी है या कुछ भी, जो लड़कियों का मैच करवाना तो जहाँ पर हो सकता है हमारे पास पूरा प्रबंध है, लाइटों का भी, जनरेटर का भी, सब कुछ है। और बाकी थैंक यू, पर थैंक यू भैया, थैंक यू मच। जिन्होंने ओवरऑल टूर्नामेंट में फाइनल करी है, अभी आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत गाना पेश करेंगे। आप सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज गौर से सुने, ये बड़ा खूबसूरत गाना है। बैठिए, कोई चक्कर नहीं। कैलगिरी वालिए ਦੀ ਪਗੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ।
नचो।